नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 36,574 के आसपास, यानी कल की क्लोजिंग से लगभग 150 पॉइंट हम ऊपर जाके क्लोज हुए हैं, लेकिन आज के हाई से लगभग हम यहां पे 350 से 400 पॉइंट नीचे आके हमने यहाँ पे क्लोजिंग दी है बैंक निफ्टी में। तो ये थोड़ा सा निगेटिव है। और यहाँ पे जो ये कैंडल बनी है, ये कैंडल है ग्रेवी स्टोन दोजी कैंडल इसको बोलते हैं, तो ये कैंडल भी निगेटिव कैंडल है। लेकिन कैंडल 37,000 का जो हमने टारगेट बताया था कि अगर ये 550 के ऊपर ट्रेड करेगा, कल की वीडियो में तो मैंने बताया था कि 950 तक जाके आ सकता है बैंक निफ्टी, यानी 36,950 के आसपास तक। जैसा कि बहुत सारे लोगों ने डिसाइड किया था कि 1 तारीख को ट्रेडिंग नहीं करना है, जैसा कि मैंने भी डिसाइड किया था, कल की वीडियो में आप लोग को बता दिया था कि मैं ट्रेडिंग नहीं करूँगा। इसीलिए मैंने कुछ आज अपने टेलीग्राम चैनल पे, दोनों ही चैनल पे मैंने कुछ अपडेट नहीं दिया था। बस ये बैंक निफ्टी का एक जो 36,770 के नीचे मैंने बोला था कि इसके लिए सेल साइड वहां से एक्टिव होगा, जिसको आप देखो, समझो, ऑब्जर्व करो, चीजों को आप देखो और सीखो। तो बहुत सारे लोगों ने आज ट्रेडिंग नहीं की थी और मैंने बोला था कि मैं ऑब्जर्व करूंगा कि ऑप्शन किस तरीके से मूव करता है। तो वहाँ पे ज़्यादा मुझे कुछ आज फर्क नहीं पड़ा। वो फर्क इसलिए नहीं दिखा क्योंकि जब हम 500 पॉइंट ऊपर और 500 पॉइंट नीचे जाते हैं ना, तो वो फर्क समझ में नहीं आता। वो फर्क समझ में तब आएगा जब मार्केट 50 पॉइंट ऊपर जाएगा और 30 पॉइंट गिरेगा, फिर 100 पॉइंट ऊपर जाएगा, फिर 50 पॉइंट गिरेगा। आज की तो मूवमेंट वन वे, यहाँ पे हम शुरुआत में वन वे 350 पॉइंट चले गए, फिर वहाँ से जब गिरना स्टार्ट किए तो वन वे हम 350 पॉइंट गिर गए। तो उसमें आप ऑप्शन को जो ऑब्जर्व करना है ना, वो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। वो चीजें समझ में आएंगी जब मार्केट 200-250 पॉइंट के अंदर में ट्रेड करेगा, तब वो चीजें समझ में आएंगी। यहां तो बड़ी बड़ी मूवमेंट हो गई, तो बड़ी बड़ी मूवमेंट में ऑप्शन का वो मूव हो ही जाता है। जब जिस दिन मूवमेंट कम होगी, उस दिन ऑप्शन हमारा ऑब्जर्वेशन समझ में आएगा कि जो पीक मार्जिन स्टार्ट हुआ है उससे हमारे ऑप्शन पे क्या फर्क पड़ रहा है, हमारा ऑप्शन किस तरीके से ट्रेड कर रहा है। मैंने आज कई सारे पॉइंट मैंने नोट डाउन किए हैं, कल फिर से उसको देखूंगा। कल छोटे मोटे मैं ट्रेड भी लूंगा, एक्सपायरी है, कल एक मोमेंटम हमें मिल जाएगा, फिर उसके बाद थोड़ा सा ऑब्जर्व भी करेंगे और देखेंगे भी। आज तो सब लोगों ने डिसाइड किया था, तो भाई मैंने भी नहीं ट्रेड किया, आप लोगों ने भी नहीं किया होगा, बहुत सारे लोगों ने किया होगा, कोई गलत नहीं। जिसने किया भाई उसका माइंड सेट है, हमने पहले से डिसाइड कर लिया था, इसलिए हमने टेलीग्राम पर भी कोई अपडेट आज डाला नहीं था। तो कल अपडेट आप लोग को टेलीग्राम पर भी मिलने लगेगी और कल मैं खुद भी ट्रेड करूंगा। तो यहाँ पे अब चलिए देखते हैं कि बैंक निफ्टी हमें कल किस तरीके से ट्रेड करना है। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो हमारा ये रेजिस्टेंस था, इसी रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर हमने यहाँ पे क्लोजिंग की है, लेकिन निगेटिव चीज़ यही है कि हम काफ़ी ऊपर से आके नीचे हमने क्लोज किया और यहाँ पे जो हमने कैंडल बनाई है वो हमने ड्रैगन फ्लाई दोजी यहाँ पे कैंडल बनाई है, जो कि एक निगेटिव कैंडल है। ये कैंडल एक्टिव हो जाएगी अगर हम इसी के नीचे वापस क्लोज कर देते हैं। देखिए डेली चार्ट में इस कैंडल के नीचे हम क्लोज कर देते हैं, इस कैंडल से 50 पॉइंट नीचे, यानी 36,450 के नीचे अगर वापस हम क्लोज कर देते हैं तो फिर मार्केट थोड़ा सा निगेटिव हो सकता है। शायद मार्केट फिर से ये 36,000 के पास तक आ सकता है अगर हम इस कैंडल के नीचे कल क्लोज करते हैं तो, यानी 36,450 के नीचे क्लोज करेंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा और ये लेके आ सकता है 36,000 के आसपास तक लेके आ सकता है। अब डेली चार्ट में अगर 36,450 के नीचे ये क्लोज करता है तो शायद यहाँ पे बैंक निफ्टी 36,000 के आसपास तक आ सकता है, लेकिन अगर कल की क्लोजिंग वापस ही 36,600 के ऊपर कल क्लोज करता है यहाँ पे बैंक निफ्टी, तो एक मोमेंटम आपको फिर से यहाँ पे देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। अब दोस्तों, अगर आप भी हमारे प्रीमियम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक के जरिए जाके आपको जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक, एलायंस ब्लू, फायर में से किसी एक में अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना है। और डीमेट अकाउंट ओपन करने के बाद लॉगिंग आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप नंबर दिया है, वहाँ पर सेंड कर दीजिए, जिससे हम आपको अपने प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर देंगे। और जो सज्जन बैंक निफ्टी ऑप्शन और स्टॉक्स मार्केट की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो जिन्होंने हमारे लिंक से अपना डीमेट अकाउंट ओपन किया है उसी में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आप हमारी फ्री ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ये देखते हैं कि बैंक निफ्टी में 15 मिनट के चार्ट पे कल एक्सपायरी किस तरीके से हो सकती है, हमें किस तरीके से कल ट्रेड करना चाहिए, कौन सा ऑप्शन हमारे लिए बेस्ट होगा, कौन सा कॉल या कौन सा पुट हमारे लिए कल के लिए बेस्ट होगा। अब यहाँ पे देखिए, तो बैंक निफ्टी यहाँ पे स्टार्ट होता है, आज सुबह यहाँ पे हम गैप अप ओपन होते हैं, कल की प्राइस से हम गैप अप ओपन होते हैं और गैप अप ओपन होने के थोड़ा सा नीचे आके वापस हम ऊपर की तरफ जाते हैं। यहाँ पे 15 मिनट यानी सुबह के एक घंटे में ही सारा गेम यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट पे देखिए, जो कैंडल आज डेली चार्ट पे बनी है ना, वही कैंडल यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट पे बनी है, इसको बोलते हैं ग्रेवी स्टोन दोजी। और ये कैंडल एक्टिव होगी इस लो के नीचे, जैसे इसके लो के नीचे हुए एक्टिव हुआ, मार्केट काफ़ी तेजी से यहाँ पे नीचे की साइड में आया, फिर मार्केट ने एक बाउंस बैक लिया और वापस मार्केट ने आके क्लोजिंग हमारे इसी लेवल के आसपास कर दी। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, पहले हम ओपनिंग हुए ये सपोर्ट था, सेकंड टाइम हम आए सपोर्ट लिए और लास्ट में हमने आके इसी जगह पे क्लोज कर दिया है। तो कल बैंक निफ्टी के लिए सबसे बेस्ट मेरे लिए ये रहेगा कि बैंक निफ्टी इस रेंज में ओपन हो। देखिए फ्लैट यहाँ पे ओपन हो, 36,500 के ऊपर ही ये ओपन हो, 36,500 के ऊपर ओपन होने के कम 2-3 मिनट 4 मिनट बाद इस लेवल को ब्रेक करे। किस लेवल को? तो यहाँ पे ब्रेक करे ये 36,470। ध्यान से देखिएगा, 36,470 के लेवल को अगर ब्रेक करके थोड़ी देर होल्ड करता है तो यहाँ पे आपको टारगेट मिल सकते हैं 36,350
36,220 और वापस 36,050, ये तीन टारगेट आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। तो ये तीन टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं नीचे की साइड में। अगर हम 36,470 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं फ्लैट ओपनिंग के बाद, ध्यान रखिएगा फ्लैट ओपनिंग होनी चाहिए, उसके बाद अगर ये गिरेंगे तो ये मोमेंटम हमें मिलेगा 36,350, 36,220 और 36,050 का। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जैसे ही इस लेवल के नीचे 36,400 के नीचे ये 470 के नीचे ट्रेड करेगा, मैं यहाँ पे हो सकता है कि 36,500 की पुट ले लूँ या फिर 36,600 की भी पुट मैं यहाँ पे ट्रेड कर सकता हूँ। तो ये दो पुट पे मेरी नज़र रहेगी, 36,500 और 36,600 की पुट पे नज़र होगी। कब? जब हम 36,470 के नीचे ट्रेड करेंगे ऊपर ओपन होने के बाद। ये ध्यान से सुनिएगा, आप लोग गलती ये करोगे कि 450 पे ओपन होगा तभी भी आप यहाँ पे जम कर जाओगे, फिर वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा बाउंस बैक मिलेगा और फिर जो लोड फर्स्ट लो लगा होगा उस लो को ब्रेक करेगा तब सेल करेंगे। लेकिन अगर इस रेंज में ओपन होता है तो जैसे हमारा लेवल ब्रेक करेगा वैसे हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं। ये जो दिख रहा है नीचे की साइड में, ये अगला सपोर्ट है। अगला सपोर्ट यहाँ पे कहाँ मिलेगा? यहाँ पे मिल सकता है 220 से 250 के बीच में, इसमें सपोर्ट मिल सकता है बैंक निफ्टी को, क्योंकि हम इस रेंज पे काफ़ी टाइम हमने यहाँ पे बिताया था। लेकिन देखिए ये रेजिस्टेंस था, तो अब इसी रेजिस्टेंस के पास, पहले हम रेजिस्टेंस थे, इस रेजिस्टेंस को हमने ब्रेक किया, आज हमने एक अच्छी खासी मूवमेंट देखी, वापस हम इसी रेजिस्टेंस के पास आके हमने सपोर्ट लिया, वापस हम गए, फिर से हमने सपोर्ट लेवल के आसपास ही क्लोजिंग की। कल अगर ब्रेक करेगा तो फिर से एक मोमेंटम बनेगा, फिर हम इस लेवल तक पहला टारगेट लगभग आपका ये मिल जाना चाहिए बैंक निफ्टी के अंदर में। तो इंपॉर्टेंट है कि बैंक निफ्टी की पुट हम ट्रेड कर सकते हैं, 36,500 या 36,600 की पुट को ट्रेड कर सकते हैं अगर ऊपर की साइड से ओपन होकर आता है तो। अब मान लीजिए यहाँ पर अगर हम गैप डाउन ही ओपन हो गए 36,200 36,300 के आसपास में, तो यहाँ पर देखना पड़ेगा, यहाँ पर रेंज कम से कम 15 मिनट 20 मिनट की एक रेंज बन जाएगी। उसके बाद रेंज को अगर नीचे की साइड में ब्रेक करेगा तभी एक मोमेंटम यहाँ पे मिलेगा, और रेंज को अगर ऊपर की साइड में ब्रेक करता है तो ध्यान रखिएगा मोमेंटम स्लो बनेगा, नीचे की साइड में ब्रेक करेगा तो मोमेंटम फास्ट बनेगा और ऊपर की साइड में ब्रेक करेगा तो मोमेंटम स्लो बनेगा। धीरे धीरे करके ऊपर की साइड में यहाँ से बैंक निफ्टी जा सकता है। ऊपर की साइड में मेरे ख्याल से अब इसको 36,800 और 36,980 ये एक रेजिस्टेंस एरिया इसको इंट्राडे में कल के सेशन में मिल सकता है। तो कल के सेशन में अगर यहाँ पे आके ये टाइम बिताता, जैसे इतने टाइम बिताया है यहाँ पे आके, अगर कल के सेशन में, मैं इसको पहले इरेज कर देता हूँ, कल अगर मान लीजिए यहाँ से हम ओपन होके ऊपर की साइड में निकलते हैं और यहाँ पे आके अगर हम टाइम बिताते हैं इसी जोन के अंदर में, हम टाइम बिताते हैं और टाइम बिताने के बाद जिस साइड में ब्रेक करेंगे उस साइड में आपको यहाँ से 150 से 200 पॉइंट की मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगी बैंक निफ्टी में। अगर यहाँ पे टाइम देखिए, यहाँ पे हमने टाइम बिताया लगभग कितना, 15 मिनट की कैंडल है, तो ऑलमोस्ट लगभग यहाँ पे हमने 1.5 घंटे टाइम बिताने के बाद नीचे की साइड में ब्रेक डाउन किया। उसी तरह से यहाँ पर भी टाइम बिताने के बाद अगर ऊपर या नीचे जिस साइड में ब्रेकआउट होगा आपको 150 से 200 पॉइंट की मूवमेंट यहाँ पे बैंक निफ्टी देता हुआ दिखेगा। अब चलिए देखते हैं कि बैंक निफ्टी के कंपोनेंट, बैंक निफ्टी के ऐसे कौन से स्टॉक थे जो बैंक निफ्टी को ऊपर और नीचे ले जाने में मदद कर सकते हैं। तो पहला स्टॉक हमारा यहां पे होगा वो है हमारा एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में देखिए काफ़ी अच्छी मूवमेंट यहाँ पे मिली, जैसा कि मैंने बताया था कि 770-780 के ऊपर हमारा टारगेट 820 का रहेगा, तो 820 का टारगेट ये अचीव करके आ चुका है। यहाँ पे बंधन बैंक में मेरा अभी कोई व्यू नहीं है, वेट करते हैं। फेडरल बैंक में भी मेरा अभी कोई व्यू नहीं है। HDFC बैंक ऑलरेडी मैंने बताया था कि 1560 के ऊपर पहला टारगेट हमारा 1600 का रहेगा और दूसरा टारगेट यहाँ पे हमारा 1640 का रहेगा, तो पहला टारगेट इसने आज अचीव कर दिया है। और यहाँ पर भी देखिए कैंडल बनी है शूटिंग स्टार, जो कि एक बेरिश कैंडल है, इसी के लो के नीचे अगर निकलता है कल के सेशन में तो आप इसको सेल कर सकते हैं 1570 और 1560 के टारगेट के लिए। ICICI बैंक, यहाँ पर भी जो हमारा टारगेट था 740 का टारगेट था, तो लगभग इसने आज 734 का हाई यहाँ पे लगा दिया है। और कैंडल यहाँ पर भी, कैंडल तो कल की प्राइस से ऊपर ही यहाँ पे अभी क्लोजिंग मिली है ICICI बैंक में। IDFC फर्स्ट कुछ नहीं करना है। इंडसइंड बैंक में भी अभी मेरा कोई व्यू नहीं है। कोटक बैंक, जैसा कि मैंने बताया था कि इसका रेजिस्टेंस 1760 का मिलेगा, इसके ऊपर निकलेगा तब एक मोमेंटम 1800 के पास तक इसमें मिल सकती है। PNB में कुछ नहीं करना है। RBL बैंक कंसोलिडेट करके धीरे धीरे ऊपर जा रहा, अब इसके स्टॉप लॉस को आप ट्रेल करके लगा लीजिएगा 165 का। अगर 165 को वापस क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक करेगा तो यहाँ से एग्जिट ले लीजिएगा। SBI 420 के ऊपर, जैसे बताया कि 430 तक जा सकता है। बेस्ट मोमेंट ये 433-434 के ऊपर क्लोज करने के बाद बनेगी, जो कि इसको 450 और 460 के पास तक लेके जाएगा। दोस्तों अगर आप भी हमारे प्रीमियम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक के जरिए जाके आप जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक, रिलायंस ब्लू या फायर में से किसी एक में अपना डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए। और डीमेट अकाउंट ओपन करने के बाद लॉगिंग आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप नंबर है, वहां पर सेंड कर दीजिए, जिससे हम आपको अपने प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर देंगे। अगला स्टॉक से हमारा AU बैंक। कल की एक धमाकेदार गिरावट के बाद आज इसने अपने आप को थोड़ा सा संभाल के रखा है, लेकिन नज़र बना के रखिएगा, अगर वापस ये 1225 के नीचे ट्रेड करता हुआ, एक क्लोज करता हुआ मिलेगा तो वापस ये स्टॉक्स फिर से ये 1020-1030 के पास तक आ सकता है, तो यहाँ पे आप नज़र बना के रख सकते हैं। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
जय हिंद।